नमस्कार, मैं आंचल, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। सितारगंज पुलिस ने कूट रचित कर जन्म प्रमाण पत्र में कम आयु दर्शाकर सरकारी विभाग में नौकरी प्राप्त कर धोखाधड़ी करने वाली एक महिला के खिलाफ के कार्यवाही की। कोई धोखाधड़ी करने वाली महिला को सितारगंज पुलिस ने गिरफ्तार कार्यालय में पेश कर दिया है, जहां उसको जेल भेज दिया गया है। बता दें कि जिला कार्यक्रम अधिकारी उदय प्रताप सिंह द्वारा नखा प्रथम में आंगनवाड़ी में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के शैक्षिकी प्रमाण पत्र की जांच की गई, तो प्रमाण पत्र में जन्मतिथि में कूटरचित कर आयु कम दर्शाई गई, जिसकी शिकायत सितारगंज पुलिस को की गई। सितारगंज पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर दिया है, जहां उसे जेल भेज दिया गया। मुख्यमंत्री महोदय और पुलिस मुख्यालय की हमेशा ये वरीयता में रहा है कि जो भी नौकरियां हैं वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से मिलें और नौजवानों को पूरा अवसर मिले, लेकिन कुछ प्रकरण इस प्रकार के प्रकाश में आते हैं जहां पे नौकरियों को पाने के लिए लोग धोखाधड़ी या गलत माध्यमों का प्रयोग करते हैं और इन घटनाओं को बहुत ही गंभीरता से हम लोग लेते हैं। इसी क्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा एक तहरीर हम लोगों को दी गई थी, जिसमें एक महिला है बासमती नाम की। इन महिला ने अपने गलत जन्म प्रमाण पत्र और शैक्षिक प्रमाण पत्र लगा करके जिला कार्यक्रम अधिकारी के अंतर्गत एक नौकरी प्राप्त कर ली थी। एडहॉक बेसिस पे थे वो, एक काउंसलर, फैमिली प्लानिंग काउंसलर की पोस्ट थी। तो उन्होंने जांच में प्रथम दृष्टया जब आरोप सही पाए तो उन्होंने हमें एक एप्लीकेशन दी, जिसके बेस पे हमने तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और इस अभियोग में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी जो जांच में तथ्य आए थे उसकी पुष्टि हुई और इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने उनकी अरेस्टिंग कर ली है इसमें जो अक्यूज्ड हैं, और अरेस्टिंग करने के बाद उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और इनकी बाकी भी क्रिमिनल बैकग्राउंड की जानकारी की जा रही है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसमें जो भी सरकारी नौकरी गलत तरीके से जो लेगा उसको भी किसी दशा में बख्शा नहीं जाएगा, और जो नौकरियां हैं उनमें पूरी शुचिता उसकी मेंटेन करने के लिए और पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए पुलिस भी पूरे प्रयास अपने। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए टुडे 24 न्यूज़ के साथ।